महंगाई से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। अगले 15 रोज के लिए दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मतवक्के। पेट्रोल 13 और डीजल 8 रुपये सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 7.26 डॉलर फी बैरल कम हुई। पेट्रोल की कीमत 98.99 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गई। चल रहा है पंजाब असम्बली का इजलास दो रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। ऐवान में आज भी गंदम खरीदारी के मामले पर आम बहस होगी। महकमा खुराक और महकमा खजाना बारे सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे। गंदम स्कैंडल की नैब से तहकीकात के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक निगरान वज़ीर आज़म नैब और विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले दो माह में 7.78 लाख मेट्रिक टन गंदम बरामद की गई। हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत एंटी करप्शन अदालत का परवेज सिलाही और मोहम्मद खान भट्टी को फौरी पेश करने का हुक्म। पुलिस ने परवेज सिलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश कर दिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा केस की समाअत कर रहे हैं। मुकदमा गिरफ्तारियां और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला की हड़ताल। हाई कोर्ट में अहम केसेस के समाअत जारी। वकला का सुरपटिया बांध कर एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी। हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। वकला का सिविल अदालतों की तकसीम में नोटिफिकेशन वापस लेने और मुकदमा खारिज करने का मुतालिबा। सब्जियों और फलों के दाम एक बार फिर से बेलगाम। लहसुन 740, लीमू 750, अदरक 670, प्याज 130, टमाटर 100 रुपये फी किलो में दस्तियाब। भिंडी 400, अरबी 300, मेथी 200, करेले 150 रुपये फी किलो बिकने लगे। फलों में केला दर्जे अव्वल 180, दर्जे दौम 130 रुपये फी दर्जन में दस्तियाब। खजूर रानी 520, सेब 400, अमरूद 200 रुपये फी किलो बेचे जा रहे। पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 150 और खरबूजा 130 रुपये किलो में दस्तियाब। एलडी का जौहर टाउन, लाहौर एवन्यू, वरिंशिया टाउन समेत मुनहिका इलाकों में ऑपरेशन। मुतअद्दिद इमदाद मिसमार और सरबम मोहर कर दी गई। डिफेंस स्टोर पर वाक़ फार्मेसी मिसमार और सरबम मोहर कर दी गई। LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक। दरबार, लारी अड्डा, आजादी चौक, रेलवे स्टेशन के गिर्द सफाई टीमें तैनात। मेन बुलेवर्ड, गुलबाग, केनाल रोड, जेड रोड और माल रोड पर मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल जारी। आने वाले दिनों में एक हफ्ते में 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर जो है इससे बढ़ेगा और वो जो टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो जो 24-25 के करीब था उसमें 4-5 डिग्री का इजाफा होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन के हैं लाहौर और इर्द गिर्द में 43 को क्रॉस कर जाएंगे। तो 43 प्लस होना जो है अच्छी खासी गर्मी है। फिलहाल अगले एक हफ्ते तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी का पारा एक बार फिर चढ़ने लगा। आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास की आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। रवा हफ्ते पारा 43 डिग्री को छू सकता है। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं।